हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। मैं रिसेंटली आपनलोगक पोल्ट्री विषय देखा आसो। पोल्ट्री फार्मिंग मैं हाँ आरो चिकेन करी आसो, सो तार अपडेट्स बिलाक देखा आसो। आज टॉपिक मैं आपनलोगक देखा बिचारिसो सम काइंड्स ऑफ गेम, जिन्तु मैं आज मोर मुर्गीखन लगत एटा एक्सपेरिमेंटल वेट खेलिलो। जेनेके आमी मुर्गी पोवाली बिलाक राखी थो ब्रूडिंग पॉइंट, सो बेसिकली तहतक आम खाई दूँ, टेम्परेचर तो सेट कर रखो एंड पानी तो दी थको विथ विटामिन्स एंड ऑल। बट लाइक अप टू 20-25 डेज ना हेतर लोग कोऑर्डिनेशन इमान ना थाके। सो बेसिकली नेचुरल वेट जो अपनी क्या विचारे, सो मुर्गी अपनी मैं जो भाव कि नेचर लोग जल्दी हेतर एडप्ट हो दी लगे। सो मैं कि मोर ब्रूडिंग पॉइंट तो एनेक बनाई जो अपना दिन मैं गरम जो थे बतर तो भल थे ऊपर शटर खुली दी पार ताकि फ्रेश एयर पाए ऊपर पुक पर पड़ेहि और हेतर लोग खेल धेमी कर पे। मुर्गी पुलिका आज 15-16 डेज से हेतर तो क्वाइट एक्टिव हो गई है और जैसे अपना हेतर गड़ाल भर पुक ककरोच केचु पड़ेहि हेते केचु तो हेर नपरे बट ककरोच सक्रोच जो पे भूलते पड़ेहि दौड़ा लै फुरा खाई दिए और हेतु एटा एटा गेम निसिना है। सो मैं आज कि करिलो एटा केचु ललो लै पेला हेत दिलो हेते कि करे हेतु साउ और बस्तु रेकर्ड करिसु ताके आपनलोगक देखा आसु। सौ हेटे कि केचु तो पाई पे हेटे लो फुरी से एटा लो टानी फुरी से तार पीछे पीछे दसटा घूरी से तार बेलेग एटा थप मारि धरिसे एंड लाइक देट हेटर एटा भाल एक्टिविटी हो गई है। हेटर एनार्जी बुस्टअप होइसे एंड दिस विल डेफिनेटली इफेक्ट देम, भाल इफेक्ट दिब हेटर बॉडी ग्रोथ भाल इफेक्ट दिब। सौ केनेके हेटे दौड़ी फुरी से इटू पीछे सीटू आपनलोके एटू उपभोग करक एंड जोने फार्मिंग करि आसे सो हेतु एबार ट्राई करि साबोसुन। Thank you.